राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक के महीने में हमें अपने तुलसी पूजन किस तरीके से करनी है, बिल्कुल सरल विधि आप लोगों के साथ में आज शेयर करने जा रही हूं। तो दोस्तों देखिए, कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो स्नान करते हो, अगर आप कार्तिक के महीने में, तो भी हमें तुलसी पूजन अवश्य करनी होती है। और अगर देखिए आप स्नान नहीं करते हो तो भी हमें पूजन किस तरीके से करना है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो पहले हमने जहाँ पे हमारी तुलसा जी रखी है वहाँ पे साफ़ सफाई करके अच्छे से, और फिर हमने अपने पूजा से स्टार्ट करनी है। तो बहुत ही पावन और पवित्र महीना है कार्तिक का महीना। तो दोस्तों, अगर कार्तिक के महीने में हम कोई भी पूजा पाठ धर्म कुछ भी ये चीज़ें करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा हमें शुभ फल मिलता है और सीधा अपने भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। तो कार्तिक स्नान में हमें तुलसी पूजन अवश्य करनी है, क्योंकि कार्तिक का महीना जो होता है वो हमारे विष्णु भगवान जी का प्रिय महीना होता है और विष्णु भगवान जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो इस तरीके से हमने तुलसी पूजन करना है। तो तुलसी पूजन करने के लिए, हमें अच्छा फल लेने के लिए हमें अपने तुलसी पूजन अवश्य करना है। तो सुबह हम अपना स्नान वगैरह करके सुबह जल्दी शुद्ध जल हम अपना तुलसा जी में चढ़ाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा, जैसे कि ज़्यादा नहीं, एक बूंद हम दूध भी, एक या दो बूंद जैसे कि पानी में मिला के हम दूध भी चढ़ा सकते हैं इसमें, क्योंकि दूध का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। और साफ सफाई करने के बाद में हमने एक अवश्य करना है। उसके साथ में हमने क्या करना है दोस्तों, हमने बनाना है स्वास्तिक। पहले हम गमले पे स्वास्तिक बनाएंगे और नीचे जहाँ पे हम दिया प्रज्वलित करेंगे ना, तो वहाँ पे हम स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि देखो गणेश जी हम नहीं स्थापित कर सकते हैं, तो स्वास्तिक के रूप में ही हम गणेश जी की स्थापना करके और सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे, इसी पे हम अपना दिया प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। और देसी घी का आप दिया जला सकते हैं, नहीं तो आप तेल का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर हम तिलक वगैरह लगाएंगे अपने माता रानी को, दिए को भी पूजेंगे और तुलसा जी को भी हम तिलक लगाएंगे। इसके साथ में दोस्तों, हमने तुलसी पूजन में चावल नहीं लेना है, हमने लेना है तिल। तिल, थोड़े से तिल, क्योंकि पहले ही आप इतने तिल ले आइए जो कि हमें पूरे महीने अपनी माता रानी की पूजा करनी है तुलसा जी की, तो वो पूरे महीने हमने थोड़े से तिल चढ़ाने हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा चढ़ाएंगे तो हम इसमें चींटी लगने का डर रहता है। तो हम थोड़े से तिल माता रानी को समर्पित कर देंगे, थोड़े से हम दिए में प्रज्वलित करेंगे, दिए में मतलब थोड़े से चढ़ाएंगे, क्योंकि जितने ये तिल चटकेंगे ना, उतनी हमारी जो भी संकट विपदा जो भी होती है वो सब दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने चुनरी भी समर्पित कर देनी है, अगर आपके पास चुनरी ना हो तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, हमने फूल समर्पित करना है। फूल ऐसा नहीं है कि आपके पास हो तो समर्पित कीजिए, नहीं तो आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फूल समर्पित ना कीजिए। अब दोस्तों, हमने करना है कुछ भी भोग समर्पित। भोग आप पतासे, गुड़, मिश्री कुछ भी ले सकते हो, या फिर ऋतु फल ले सकते हो, जो आपके पास हो, अवेलेबल हो, आप उसी हिसाब से आप कुछ भी भोग माता रानी को समर्पित कीजिए। माता रानी का हमें सिंगार भी समर्पित करना है, दक्षिणा समर्पित करनी है, दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों की पूर्ति के लिए। अब दोस्तों, या तो आप पहले परिक्रमा लगा लीजिए, या फिर माता रानी का आप परिक्रमा लगाइए, या फिर आप आरती, तुलसा माता की आरती कर दीजिए। तुलसा रानी नमो नमः, जो भी आपको आती हो, हरि की पट रानी नमो नमः। तो इस तरीके से हमने तुलसा रानी जी की आरती करनी है और अब हम लगाएंगे परिक्रमा। तो 5-7 जितनी आपके पास आज से हो सके आप उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसा जी जहाँ आपकी रखी है वहाँ पे स्पेस ना हो, तो आप जहाँ पे आप आसन लगा के जहाँ पे आप बैठ के पूजा कर रहे थे ना, आप वहीं पे ही राउंड क्लॉक बाई घूम के परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी माता रानी जी की पूरी कार्तिक के महीने में पूजा करनी है और उनका विशेष, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है। तो इस तरीके से, क्योंकि विष्णु भगवान जी और तुलसा जी एक ही हैं, अगर हम तुलसा जी की पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान जी प्रिय होंगे और खुश होंगे और वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, कार्तिक के महीने में आप जब भी पूजा करते हैं
तो इस तरीके से ये पूजा हमें, अगर हम स्नान करते हैं तो सुबह हमें सूर्य उदय से कम 1-1.5 घंटे से पहले हमें ये पूजा कर लेनी है। अगर आप स्नान नहीं करते हो तो आप ये पूजा थोड़ा बाद में भी कर सकते हो, और अगर आप सुबह मॉर्निंग में पूजा ना कर पाओ तो शाम के टाइम हमें दीपदान ज़रूर करना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में जितना हम दीपदान करेंगे उतना ही हमें अच्छा फल मिलेगा।